गुड मॉर्निंग एवरीवन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एंड ऑफ कॉलोनियल रूलर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द केस स्टडी ऑफ घाना एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. इन द पीरियड ऑफ मेजर चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन इंडियाज नेबर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन 1990s. देखिए भारत, मैंने आपके साथ जब अपने पिछले वीडियो में ये बताया कि बहुत सारे जो कंट्रीज थे वहां पर कॉलोनियल रूलर्स का तो एंड हो गया, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी के बाद जब पहली बार क्या हुआ कि हम डेमोक्रेसी के बाद सब मूव करने लगे, तो ये जो ट्रांजिशन का फेस था ना, कभी वहां पर मिलिट्री का शासन हो जाता, कभी वहां पर जो है डेमोक्रेटिक शासन हो जाता, तो ये चीज हर जगह गुजरती रही. और ऐसा हमारे नेबर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हुआ 1990s के टाइम पर. एंड इन ऑल्सो नेपाल द किंग गेव अप मेनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स. और जो नेपाल के राजा थे उन्होंने भी अपनी बहुत सारी शक्तियां जो इलेक्टेड लीडर्स थे उनको दे दिए, तो ये भी सब ट्रांजिशन के फेस थे. सो दीज चेंजेस वर नॉट परमानेंट इन 1990s इन पाकिस्तान. परवेज मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान और 1999 में जो वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने वहां पर फिर से आर्मी रूल लागू कर दिया. और लगभग 2005 में नेपाल में फिर क्या हुआ कि जो नेपाल के राजा थे उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम्स दैट पीपल हैड वॉन ऑन द प्रीवियस डिकेड. और जो लोगों ने डिमांड करके कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए सन 2000 के आसपास के टाइम पीरियड पर, उसको फिर से खत्म कर दिया और फिर से जो है किंगशिप के अंतर्गत ही सब कुछ ले आ दिया. तो ऐसी बहुत सारी चीजें ट्रांजिशन के फेज में हो रही थी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल इन सब जगहों पर ये सारी समस्याएं देख रहे थे हम. एंड येट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिस पीरियड पॉइंट्स टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी. लेकिन इस समय वैसे भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही थी. बाय 2005 अबाउट 140 कंट्रीज वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन. दिस नंबर वॉज हायर देन एवर बिफोर. मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस टूवर्ड्स डेमोक्रेसी सिंस 1980s. तो जब 2005 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही थी. बट इवन टूडे there are many countries where people cannot express their opinion freely, like China. अभी भी चाइना में लोग अपने जो opinion है वो freely नहीं रख सकते हैं. उसका कारण ये है कि वहां पर अभी जो शासन है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का है ना, और वहां पर ना कोई सोशल मीडिया चलता है ऐसा. फेसबुक गूगल इनको जो है वहां पर सख्त मनाही है चलाने को लेके. तो इस वजह से अभी देखिए कोई भी न्यूज होती है ना चाइना की, वो बाहर नहीं आ पाती है, वो वहीं तक रह जाती है. हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसा कूद पड़ते हैं, है ना. तो इस वजह से ये कुछ डिफरेंसेस हैं. चलिए इसको थोड़ा सा और आके देखते हैं यहाँ पे. हाँ एक सेकंड. हाँ हमने इसको पढ़ लिया. अच्छा इसको हमने यहाँ से कंप्लीट करना था, यहाँ से कर लिया है ना. चलिए कोई बात नहीं. इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हैं, ये अपने काम की तो इतनी है नहीं, है ना. चलिए इसे आगे देख लेते हैं. दिस कार्टून इज अपीयर्ड इन 2005 व्हेन आंग सान सू की ईस्टर्न 60. व्हाट इज द कार्टून सेइंग हियर? विल द आर्मी रूल फील हैप्पी विद दिस कार्टून? मतलब ये आंग सान सू की हैं, ये बहुत बड़ी एक एक्टिविस्ट थी अपने टाइम पर, अभी भी हैं. तो इन्हें जो है एक बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर्स. They cannot take big decision about their present and future life. मतलब देखिए जो democratic government नहीं होती थी उसके अंदर ये तो क्षमता नहीं हो सकती कि कोई ऐसे big decisions ले सके जिससे लोगों की जो future है वो सुरक्षित हो सके. तो one of such countries Myanmar, previously known as Burma, it has gained freedom from colonial rural rule in 1948 and become a democracy. 1948 में म्यांमार को जो है आजादी मिली और ये वहां पर एक डेमोक्रेसी के रूप में सामने आया. बट द डेमोक्रेसी रूल एंडेड इन 1962 विद अ मिलिट्री कॉप. इन 1990s इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 30 इयर्स. अभी ये 1948 में, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये 1948 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है. और फिर
1962 में यहां पर मिलिट्री कॉप ने अपना शासन बना लिया, और फिर 1990s में क्या हुआ, इलेक्शन कराया गया, और अभी 1990s में इलेक्शन कराया गया और आंग सान सू की जो है ये फिर से चुन के आई और वहां पर जो है अभी ये प्रेसिडेंट थी, है ना। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2021 में फिर से म्यांमार के ऊपर इनकी सेना ने आक्रमण कर दिया और सारे जो राजनीतिक बंदी थे यानी जो पॉलिटिकल लोग थे उन सब को जो है कैद कर लिया, और कैद करके जो ये डेमोक्रेसी थी ना इसको फिर से खत्म ऑलमोस्ट कर दिया है, और वहां पर अभी करंटली जो है मिलिट्री जो है शासन कर रही है, ठीक है। द फर्स्ट टाइम द नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय आंग सान सू की, जो ये इनकी एक पार्टी है आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये आंग सान सू की प्रोनाउंस्ड है सूची, वॉन द इलेक्शन 1990s में इलेक्शन जीती, बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट। मतलब 1990 में भी जब ये इलेक्शन जीती उसमें भी जो वहां पर मिलिट्री थी उसने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ प्रेसिडेंट, तो फिर हुआ क्या कि द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग सान सू की अंडर हाउस अरेस्ट, और जो सान सू की है इनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब घर में ही इनको कैद कर दिया। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अक्यूज्ड ऑफ इवन द मोस्ट ट्रेबल ऑफेंसेस हैव बीन जेल्ड, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जिन्हें जेल भेज दिया गया। एनीवन कॉट पब्लिकली आयरिंग व्यूज ऑन इश्यूइंग स्टेटमेंट क्रिटिकल ऑफ द रिजीम कैन बी सेंटेंस्ड अप टू द 20 years ऑफ प्रिजन। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचार जो है बाहर आकर रखता है तो आर्मी उसको क्या करेगी, जेल भेज देगी, और वो जेल की जो टर्म होगी वो 20 साल के लिए जेल भेजेगी, ठीक है। ड्यू टू द कोरेसिव पॉलिसी ऑफ मिलिट्री रूल्ड, एक सेकेंड, गवर्नमेंट इन म्यांमार अबाउट 6 to 10 lakh पीपल इन द कंट्री हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स एंड हैव बीन टेकन शेल्टर एल्सवेयर, और इस कारण से लगभग वहां पर 10 लाख लोगों ने म्यांमार में अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के वो वहां से अलग जगह सेल्टर में चले गए, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट सान सू की कंटिन्यूज टू कैंपेन फॉर द डेमोक्रेसी, और ये जो इनकी सान सू की हैं इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन जारी रखा, और अकॉर्डिंग टू हर द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा मींस म्यांमार इज द स्ट्रगल ऑफ पीपल टू लिव होल मीनिंगफुल लाइफ एज अ फ्री एंड इक्वल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। इन्होंने कहा कि जो म्यांमार के लोग हैं ना इन्हें जो है फ्री और इक्वल लाइफ जीने की स्वतंत्रता है जैसे वर्ल्ड के अन्य लोग जीते हैं। द स्ट्रगल हैज बीन वॉन आफ्टर द रिकॉग्निशन बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटीज, मतलब जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने आंग सान सू की को ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि आप ही जो है वहां पर असली शासन करने वाली हैं, तो इससे क्या हुआ उनकी एक मजबूती मिली। एंड सी हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द रीजन ऑफ पीस, येट द पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी इन अ गवर्नमेंट इन देयर कंट्री, और अभी भी जो म्यांमार के लोग हैं वो अपने देश में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आपको 2021 की एक करंट अपडेट बताई उसमें यही हो रहा है। सो थैंक यू क्लास, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।